एक सवाल है, सरकारी नौकरी की तुम्हारी जरूरत कितनी है? ए भाई, सरकारी नौकरी की तुम्हारी जरूरत कितनी है? उतना ही पढ़ो। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए मत पढ़ो, सरकारी नौकरी थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा पढ़ के देख लगी ठीक ना लगी ना सही। सरकारी नौकरी चाहिए जी तो पढ़ो, सरकारी नौकरी जरूर चाहिए जी तो पहला काम जरूर क्लास लेनी है हर रोज, दूसरा काम जरूर घर पर होमवर्क करना है जो बताया जाए, और तीसरा काम फिर जब भी टेस्ट होंगे तो वो टेस्ट देने हैं। ये तीन काम तुम्हें लगातार करने हैं। 100% जॉब अगर तुम्हें चाहिए तो ये 100% तरीके से करते जाओ तीनों काम। सरकारी नौकरी की ICS में 100% नौकरी की गारंटी है, लाखों की संख्या में नौकरी में है यहाँ के बच्चे। अच्छे तरीके से पढ़ोगे बन गया काम, आया ना? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस के ऊपर है कि मेरा काम नौकरी के बिना चल जाएगा कि नहीं, मुझे नौकरी जरूर चाहिए, आया ना? Yes, sir. एक और भ्रम रहता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा भ्रम रहता है कि हम कुछ और कर लेंगे। कुछ और क्या कर लोगे बताना जरा, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास कुछ और करने का? कुछ और करने पर नंबर एक चांस है बेरोजगार रह सकते हो, कौन कौन रहना चाहता है? दूसरा काम, बहुत सारी डिग्री डिप्लोमे इतनी करी इकट्ठी करके रख दो, बहुत सारे लोग करते हैं। 17 साल की उम्र में एक बच्चा 12वीं पास करता है, 12वीं पास, उम्र क्या होती है? 17 साल या 18 साल। अगर वो BA करेगा तो 3 साल गए, अगर वो MA करेगा तो 2 साल और गए, MPhil करेगा तो 2 साल और गए, BEd करेगा तो 2 साल और गए, MEd करेगा तो 2 साल और गए, PhD करेगा तो 3 या 4 साल गए। 17, 20, 22, 24, 26, 28, 32, अर्निंग नहीं अभी तक कुछ भी। इतनी डिग्री करने के बाद किसी भी कॉलेज में चले जाओ इतनी डिग्रियों के साथ, लोग 10,000 से 15,000 के बीच में डॉक पर लेक्चरर लगे बैठे हैं, हर रोज घर से ना धो के आते हैं, बोला लेक्चरर हैं कॉलेज में, हाँ या ना? जो चाय पकड़ा था ना और PN है पानी पकड़ा था, उनकी सैलरी है 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, और जो लेक्चरर और प्रोफेसर है ना उनकी सैलरी 10,000 और 15,000 पढ़ाई की। इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकती है? आंख बंद करके पढ़ते रहते हैं। 17 साल में 12वीं की, ICS में आए, 3 साल BA करने वाले, तो 3 साल में जो स्टूडेंट ICS में पढ़ेगा उसके पास गवर्नमेंट जॉब भी होगी और कोरस्पोंडेंस से करके BA की डिग्री भी होगी, ये दोनों काम होंगे। 12वीं पास करके कोई बच्चा कॉलेज में गया तो सिर्फ BA की डिग्री लाएगा, BA, BBA, BCA, BCom, BSc, हाँ या ना? Yes, sir. ये बात सही है या गलत है? अब ये नहीं कि तुम आई सेंटर में हाथ लगाए और नौकरी लग गया, ऐसा नहीं है। बेसिक लेवल खत्म हो गया, तुम्हें परसेंटेज नहीं पता क्या है, तुम लोगों को सिंपल फ्रैक्शन नहीं पता था क्या है, तुम लोगों को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें आता नहीं था, हाँ या ना? Yes, अब भी नहीं आता क्या? Yes, अब तो आता है, हाँ या ना? Yes, यहां से आगे की बातें नहीं सिखाई, अभी जहां तक सिखा दिया उतना आता, उससे आगे का क्या आता है? अब मैं कितने सवाल यहां लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ये रास्ता है। आप जाएंगे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और ये रास्ता है ICS में। अगर 20 साल की उम्र में तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब और BA की डिग्री है तो और क्या चाहिए तुम्हें? और 1 साल कॉलेज की जो फीस लगती है उससे तो कम है ICS की फीस, पूरे साल की कैलकुलेट करके देख लेना, आया ना? Yes, सफल होने के लिए सही रास्ता चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
पहला काम ये है कि मेरी मंजिल क्या, दूसरा काम है मेरा रास्ता क्या, और इस रास्ते पर मुझे चलना कौन सिखाएगा। हाँ है ना? तो जो ये यहाँ क्लास चलती है, तुम्हें तीन काम ही करने हैं। क्लास लेनी है रेगुलर, और फिर होमवर्क करना रेगुलर, और फिर टेस्ट जरूर देने हैं। कुछ लोग तुम्हें क्लास में ऐसे मिलेंगे, छोड़ो ना आज टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा, टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा मतलब फेल होने का मन कर रहा, इसको ऐसे बदलते हैं, छोड़ो ना यार आज तो फेल होने का मन कर रहा। टेस्ट छोड़ने का मतलब क्या है? क्लास छोड़ने का मतलब क्या है? किताब आज नहीं लेता कल ले लूंगा, इसका मतलब क्या है? फेल होने का मन कर रहा है ना? ये तीन काम मिस नहीं करने। जो क्लास नहीं लेगा तो हम घर जाके नहीं पढ़ा के आते, जो होमवर्क नहीं करेगा तो हमारे पास ऐसा कोई भी औजार नहीं है कि तुम्हारे सर पर या हाथ पर या पैर पर कहीं टच कर देंगे और तुम एकदम से एक झटका चलोगे और तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। जैसे डोरेमोन के पास गैजेट है ऐसे ऐसे, हाँ या ना? मेरे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास हो तो लगा लेना, ना हो तो फिर ये लेना और फिर टेस्ट, हाँ या ना? तुम्हें क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा बिना प्रैक्टिस करे जाए तो सही भाला फेंक देगा? वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है? वो प्रैक्टिस के कारण। तो तुम लोग क्या सोचते हो, प्रैक्टिस के बिना जाओगे तो सही कराओगे पेपर? बोला हम तो पेपर में देख लेंगे, ऐसे होते पेपर में देख लेंगे। क्या देखेगा तू? फिर तो पेपर देखेगा तने, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। आज इतनी ही बातें करते हैं।